कामरान भाई, आपकी तमाम क्लिप्स के अंदर, ज़्यादातर क्लिप्स के अंदर ये होता है कि इस हदीस का मतन सही नहीं है, बुखारी जैसी बड़ी किताब का, किताबों के अंदर हदीसों का मतन सही नहीं है। तो भी इतने बड़े मुहद्दिस कराम थे वो, तो वो क्यों अपनी किताबों के अंदर ये लेकर आए जब उनका मतन ही सही नहीं था, तो भी क्यों लेकर आए? यार ये सवाल ने, इस सवाल ने यकीन करें मुझे बड़ी टेंशन दी। मतलब जिस बंदे को समझाया जाए कि भाई ये रिवायत है, इसके मतन में कलाम है, भाई मुहद्दिस लाया क्यों, बुखारी लाया क्यों, मुस्लिम लाया क्यों, बड़ा दिमाग, भाई फलां किताब के अंदर एक गलत इबारत है क्यों आई, वो लाया क्यों, या इसको कैसे ख़त्म करें। यार देखो, बाद में इसका एक बताऊं कि उस्मान गनी एक ही हुआ है, दोबारा कोई उस्मान गनी हो तो ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं। गलत इंसान से होती है ना, एक इंसान मेहनत की उसे गलती हो गई, किताब में गलती आ गई, दूसरी में आ गई, तीसरी में आ गई, वही आज तक चलती हुई आ रही है, ख़त्म हो जानी चाहिए था ना, गलतियों को हमें निकाल देना चाहिए था सर, इसलिए कि दोबारा उस्मान गनी आया ही। उस्मान गनी के दौर में फितना पैदा हुआ था, कुरान पाक उस पर लोगों ने अपनी तफसीरें लिख दी, एडिशंस कर दिए, तो ये फितना था जो नए नए मुसलमान हो रहे थे उनको भी अल्लाह का कलाम समझने लग गए। तो जिस वक्त आपको महसूस हुआ कि हक और बातिल मिक्सअप हो रहा है, उस्मान गनी ने कदम उठाया, मुसहफ जमा किया, ओरिजिनल कुरान की सूरत में बाकी सब जलवा दिया। हक और बातिल कभी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, हमेशा अब लज 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 होना चाहिए। अब लज 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 का मतलब है बिल्कुल वाज़ अलग। तो मैं अक्सर बयान करता हूँ, उस्मान गनी के बाद कोई दूसरा उस्मान नहीं आया। ये होना चाहिए था जिस वक्त मुहद्दिसीन किराम का दौर आया, किताबें लिखी गईं, उसके अंदर सही के साथ गलत बातें मुल्तबिस हो गई ना। अब एक किताब है सही नाम से, उसके अंदर बहुत सी रिवायात ऐसी हैं, जैसे इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं 110 हदीसें बुखारी की, मसला है उसमें, उसको निकाल देना चाहिए था, लेकिन वो दोबारा उस्मान गनी आया नहीं। ये निकाल देते, काश हमारे यहाँ कदर फितने ख़त्म हो जाते, ज़ईफ़ अहादीस जिस वक्त अलग हो गई हैं उसको ख़त्म ही कर दिया जाता, निकाल दिया जाता, जला दिया जाता उसको, या मौजू रिवायतें जला दिया जाता, जिनका मतन ठीक नहीं है साइड पे कर दिया जाता, प्योर प्योर चीज़ें रहती हैं, यकीन करो मसाइल कम होते। उस्मान गनी ने जारी की, वो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, इसलिए किताबें आज तक हैं, मसले आज तक हैं, हक में बातिल मिला हुआ है, एक रिवायत सही है अगली रिवायत गलत आ जाती है, हमें पता नहीं चलता, हम पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। तो ये वजह है। कामरान भाई, ज़ईफ़ और मौजू से ज़्यादा फितना तो ये हदीस फैलानी जो कि सही भी है और उसका मतन भी सही नहीं है। मतलब सही का नाम ले लेकर आज सहाबा कराम पर तबर्रा है, हर चीज़ पर है, और टाइटल क्या है कि बिल्कुल सही हदीस है। अगर तो मुंह से ही बोल दिया जाता मौजू हदीस है तो एक आम बंदा भी पीछे हट जाता, सही का बोलकर ही तो ये कर दिया, इससे ज़्यादा तो फितना हो गया सर। मसला यही है ना, किसी भी फ़न को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे हमेशा फितने में जाएंगे। फ़न हदीस जिन्होंने लिखा उन्होंने सबसे पहले उसूल मुरतब किए, हमने उन उसूलों को क्यों छोड़ा? हमें सिर्फ एक उसूल मिलता है, हम कहते हैं कि यार उलमा ने लिखा सनद ठीक होनी चाहिए, या जिन्होंने सनद ठीक लिखा था उन्होंने मतन पे कितनी बहसें की हैं, मतन पे कितने उसूल उन्होंने तरतुब। इमाम बुखारी ने सनद के सही होने के ऊपर बहुत कम उसूल हैं जो लिखे हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत ये की थी भी मतन को चेक करो कैसे पता चलेगा, बहुत मेहनत की इमाम बुखारी ने। बशरी तकाजे में उनसे देखें कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, उन गलतियों को हर इंसान को इस लेवल के ऊपर ही रखना चाहिए। हज़ारों हदीसें सही हैं, कुछ में गड़बड़ आ गई, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो है ना, फन हदीस को कामिल तौर पर सीखना चाहिए। सर ये बुखारी मुस्लिम के अंदर एक हदीस मिलती है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम के अंदर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक किताब और कलम ला के दे दो, मैं कुछ लिख के तुम लोगों को चला जाऊँ ताकि फितने में ना पढ़ो, लेकिन कुछ सहाबा ने मना कर दिया, हज़रत उमर ने मना कर दिया, रिवायतों में ये मिलता है, इससे बड़े फितने भी पैदा हुए हैं। क्या ये हदीस ठीक है, इसको माना जाएगा सर? इस बारे में बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। हदीस किरतास कहा जाता है ना इसे, इसका मतलब ही ठीक नहीं है, ना काबिल एहतजाज ना काबिल इस्तदलाल। देखो किसी भी हदीस का मतन ठीक करने के लिए, उससे इस्तदलाल करने के लिए, मतन ठीक होगा इस्तदलाल करोगे? एक बुनियादी उसूल है, अब मुहद्दिसीन को पढ़ेगा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को, इमाम जिस मर्जी मुहद्दिस को पढ़ लो, उन्होंने जिक्र किया अगर मतन के अंदर तारुज ऐसा हो जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, उसे कभी भी इस्तदलाल नहीं किया जाता। दुनियावी मिसाल से समझें, आप लोग ने माशाल्लाह मुझे सहरी के लिए बुलाया, एक प्रोग्राम हो गया, हमारे भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। अच्छा जी नुमान साहब, कल आपसे किसी ने पूछा कि आप सब ने वहाँ पर सहरी की सर के साथ मिल के, सर जी खाया क्या था, आइटम क्या था उधर? आप बोले सर हमने बिरयानी खाई थी ज़बरदस्त किस्म की, मज़ा आ गया था। नवीद भाई से ये किसी बंदे ने पूछा और उसने कहा हाँ जी कल हमने सहरी की है सर के साथ बैठ के, तो हमने तो कढ़ाई खाई थी, बिरयानी तो नहीं मंगवाई। यही बात रिजवान साहब से पूछ लें, इन्होंने कहा अबे भाई ना बिरयानी थी ना ये था, वो कोई अलग ही चीज़ थी, पता नहीं क्या था, पराठा चाय खिला दिया बस हमें। एक ही वाक्या
अलग अलग अंदाज से आ रहा हो, इस्तेदलाल किस पे करोगे अगर वो तीनों रावी सही हो तो? सर जेन में एक लफ्ज़ रखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने एक दफ़ा एक सीधी लाइन खींच दी, फरमाया सिरात मुस्तकीम है। इस हदीस की शरह करके बता दो, सिरात मुस्तकीम में सीधी बात होती है। इसी को मैंने अक्सर बयान करता हूँ, अरबी के अंदर कहा जाता है एक लफ्ज़ अबलज, एक कहा जाता है लजलज। सीधी बात हमेशा दीन होती है, हर वो बात जिसमें टेढ़ापन आने लग जाए, तारुज आने लग जाए, वो रिवायत नाकाबिल इस्तेदलाल होती है। अब हदीस किरदास की जहाँ तक बात है, इसके अंदर तारुज आप मुझे हल करके बताओ, वाकया एक ही है लेकिन उसके अंदर इतनी अलग अलग रिवायतों में अलग अलग बातें आई हैं, आप नतीजा ही नहीं निकाल पाते। भाई मसलन एक रिवायत आ गई, सहाबा अंदर हैं, उमर फारूक ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कागज़ कलम लेकर आएँ, हम उसमें कुछ लिख के दें, तुम आइंदा कभी गुमराह ना हो, ठीक है? तो उमर फारूक थे, उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अभी तकलीफ़ के आलम है, हसबुना किताबुल्लाह, हमें कुरान काफ़ी है। उमर फारूक ने कहा, जिससे हम इशारा तो मैं ना समझ जाते हैं, भाई कागज़ कलम लाने से असल में मना किसने किया? उमर फारूक ने। यही दुरुस्त सनत के साथ मुसनद अहमद बिन हंबल की या दीगर कुतुब की रिवायत है, हज़रत अली ने सबसे पहले मना किया था कागज़ कलम लाने से। तो सर मुसनद अहमद बिन हंबल की रिवायत में क्या लफ्ज़ है? वो अल्फाज ये हैं, बहकी की भी रिवायत है, मुसनद अहमद बिन हंबल की भी रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त कागज़ कलम मंगवाया तो हज़रत अली कहते हैं मुझे ये खौफ था मैं कागज़ कलम लेने जाऊँगा, इतनी देर में अल्लाह के नबी इंतकाल ना करिए, तो मैंने ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप ज़बानी बता दें, मैं हाफ़ज़े में रख लूँगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी नमाज़ की, रोज़े की, अहकामात इस्लामिया की। तो सर एक रिवायत के अंदर जिक्र हज़रत अली थे जिन्होंने कागज़ कलम लाने से इनकार किया था, नंबर दो एक रिवायत में हज़रत उमर फारूक ने इनकार किया था, तीसरी रिवायत है गालिबन मुस्लिम की या दीगर है, ये रेफरेंसेज मैं बच्चे को दूँगा डाल देगा सर, उसके अंदर जिक्र है कि इख्तलाफ़ अहले बैत में हुआ था कागज़ कलम ला के, अहले बैत के लफ्ज़ है यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं, कई लोग तो इसे मजाजी तर्जमा लेते हैं ना कि मजाजन के नहीं, अहले बैत से मुराद सब जो वहाँ पे मौजूद थे, नहीं, जब हज़रत अली का नाम आ गया एक रिवायत के अंदर तो अहले बैत से मुराद अहले बैत लिया जाएगा। तो इतना क्लैश है इस वाक्य के अंदर, क्या हुआ भाई? जिस तरह मैंने आपको सहरी की मिसाल दी, भाई इतना पता है सहरी हुई थी लेकिन आगे कोई नतीजा नहीं निकाल सकता, एक बंदा उसी का मौजूद कुछ बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ, ये कह रहा है बिरयानी खाई थी, ये कह रहा है कौरमा खाया था, ये कह रहा भाई चाय पराठे पर सर ने टरका दिया था। तो सर एक्चुअली वाक्या क्या हुआ था वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, हज़रत अली ने मना किया, एक रिवायत कह रही है हज़रत अली ने कागज़ कलम लाने से मना कर दिया, अच्छा एक रिवायत उमर फारूक ने मना किया, अच्छा एक रिवायत, कुछ रिवायतें ऐसी मिलती हैं कि वो वसीयत अल्लाह के नबी ने क्या करनी थी हज़रत अली से मुतालिक, बुखारी की सही हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत अबू बकर के बारे में करनी थी कि कल को कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना कर ले अबू बकर के बारे में, उसमें अबू बकर का जिक्र है। तो सर वो एक्चुअली वाकया क्या हुआ था, किसने कागज़ कलम लाने से मना किया था, क्या हुआ था, इतना लजलज बना हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है, आप क्या इस्तेदलाल करते हैं? खिचड़ियों से इस्तेदलाल नहीं होते। इसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहा करते थे कि अगर कोई भी रिवायत है उसके तमाम तुर्क को सामने रख के उसमें क्या तारुज है इसकी पहचान आपको नहीं आती, आप हमेशा गलत इस्तेदलाल करोगे, उम्मत में फितने पैदा करोगे। हदीस किरतास भी उसी रिवायत में से, इसके जमी तुर्क अपने सामने रख लो, कभी कोई नतीजा नहीं निकाल पाओगे आप, कोई रिवायत अलग बात करेगी, कोई अलग करेगी, कोई अलग करेगी, तो नाकाबिल इस्तेदलाल रिवायत, खिचड़ियों से नहीं होता। एक आलिम है हरम के, वो बयान अक्सर कहते हैं अच्छा। बात अबलज है तो इस्तेदलाल कर, लजलज है तो छोड़ दे। ये लजलज क्या है? खिचड़ी बात सीधी है रिवायत की, इस्तेदलाल कर, खिचड़ी पकी है, नाकाबिल इस्तेदलाल।